हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगिता। वेलकम टू आवर चैनल बोल्ड स्काई। आज हम आपको बताने वाले हैं उंगली में संक्रमण क्या है। उंगली में चोट या संक्रमण एक आम समस्या है। ये संक्रमण मध्यम से लेकर गंभीर हो सकता है। ये अक्सर संक्रामक बैक्टीरिया एवं अन्य कीटाणुओं के संपर्क में आने से होता है। ये संक्रमण ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं और इनका इलाज आसान होता है। हालांकि अगर इसका ठीक तरीके से इलाज न किया जाए तो इसकी वजह से प्रभावित उंगली काम करना बंद कर सकती है या उसे निकलवाना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं उंगलियों में संक्रमण के लक्षण। सूजन, लालिमा, प्रभावित हिस्से में दर्द बढ़ना, मवाद, बीमार महसूस होना। इसके अलावा निम्न रोगों के कारण भी उंगलियों में संक्रमण हो जाता है। फैलन, उंगलियों में दर्द और सूजन रहती है। त्वचा के अंदर मवाद बन सकती है। पेरोनीसिया के लक्षण में नाखून के आसपास वाली त्वचा पर लालिमा और सूजन शामिल है। इस हिस्से को छूने पर तेज दर्द होता है। इस स्थिति में नाखून या उसकी त्वचा के अंदर मवाद बन सकती है जो घाव से बाहर निकलने लगती है। इसका रंग सफेद पीला होता है। हर्पेटिक व्हाइट लुक, इसके लक्षण फैलन के लक्षणों से मिलते जुलते होते हैं और इसमें प्रभावित हिस्से पर तुरंत जलन या खुजली भी हो सकती है। फैलन की तुलना में इसमें कम सूजन होने की संभावना रहती है। वाटलों के कारण प्रभावित हिस्से में एक या एक से अधिक घाव बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इलाज की। मामूली पेरोनीसिया का इलाज घर पर किया जा सकता है, बशर्ते आपको डायबिटीज जैसी कोई अन्य बीमारी ना हो। अन्य सभी बीमारी में डॉक्टर द्वारा उपचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इलाज में देरी करने से उंगली काम करना बंद कर सकती है या उंगली को निकलवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मेडिकल हेल्प लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।